से देखना, एक प्रोरेटा का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक कर क्या, दो करेंगे क्वेश्चंस, एक बहुत ही इजी, एक इजी, ठीक है, दोनों ही इजी है, एक वेरी इजी है, तो पहले वेरी इजी, बट इसकी ना एक रिक्वायरमेंट है, एक नहीं काफी, आपको फोर फीचर री इश्यू अच्छे से आता हो और आपको प्रोरेटा अलॉटमेंट की वर्किंग जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आते हो, कुछ नया नहीं आएगा, जो हम चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं वही आएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालया कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 शेयर्स ऑफ पीस 10 ईच एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, सॉरी, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, पेबल ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम कितना है ₹2, तो 3 + 2, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 2, तो 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, तो 10 + 2। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 120, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कुछ मेंशन नहीं होता अनलेस रिजेक्शन हो, तो जो भी एडवांस है इट इज यूटिलाइज ऑन द नेक्स्ट स्टेज, एप्लीकेशन से आगे जाता है, अलॉटमेंट पे यूज होता है। रोहन टू होम 4,800 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स, अब उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना सेकेंड कॉल दी, दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फोरफीटेड, सब्सिक्वेंटली मतलब आफ्टर द सेकेंड कॉल, ओके, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड टू टीना एज फुली पेड अप एट ₹7 पर शेयर, एंट्रीज पास करनी है। अब मुझे ये कहानियां नहीं सुननी कि सर प्रोरेटा तो और शेयर्स या पेपर तो हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या, पहले मैं आपको ये कराता हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसा आ सकता है, तो आपको पता चलेगा कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना। चल स्पीड तेज रखते हैं, जल्दी से, ओवर सब्सक्रिप्शन है, कितनी कैटेगरीज हैं या 1 2 3, टू कौन टू कैटेगरीज, सी 2 कैटेगरीज? रिफंड या फिर प्रो अलॉटमेंट? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई रिफंड हो रहा है? नो सर, वन तो इस क्वेश्चन में कितनी कैटेगरीज है, 1 या 2 या 3? एक ही कैटेगरी है इस क्वेश्चन में, 1,60,000 एप्लीकेशन आई, और प्रोरेटा की ना एक खास बात है, 25% ऑडियंस गोल रहती है हमेशा, क्योंकि वो शेयर्स ठीक से रिवाइज नहीं करते टाइमली, मिनिमम 25% स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ चुके होते हैं, क्योंकि वो टाइमली, चैप्टर लेंदी होता है, वो साथ साथ रिवाइज नहीं करते, सर्वाइव नहीं कर पाते प्रोरेटा। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन स्टार्टिंग से करना ही होगा। शेयर्स अप्लाइड 160, शेयर्स अलॉटेड 120, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी वॉज 3 पर शेयर, तो 3 पर शेयर का मतलब 16, 32, 480, यूज कितना किया होगा, जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, 120 × 3, 360, एडवांस कितना आगे चला गया होगा, 1,20,000, फर्स्ट कॉल तक कोई एडवांस ही नहीं गया, तो सेकंड कॉल का मतलब ही नहीं है, कुछ रिफंड नहीं। ये टेबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत, समझ आया क्या हुआ, चल सकता हूं आगे? यस सर, इसमें बता रहे हैं कि टोटल एप्लीकेशन मनी 4,80,000 रिसीव हुई थी, जिसमें से 3,60,000 एप्लीकेशन पे यूज हो गई, 1,20,000 का एडवांस था वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अलॉटमेंट तक एडवांस गया, क्या एडवांस फर्स्ट कॉल तक गया? नो सर, नहीं गया बेटा, आपने ही बोलना है, कोई और नहीं बोलेगा, तो बोलते रहना टाइमली, बाकी सारे यहीं बैठे हैं, आज काफी सारे बच्चे आए हुए हैं ऑफलाइन। क्वेश्चन, एडवांस अलॉटमेंट तक ही था, फर्स्ट कॉल तक गया ही नहीं, आप ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन रीड करते ही कि क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है? आसान और मुश्किल में सिर्फ थोड़ी वर्किंग का फर्क है, वर्किंग समझ आ जाएगी तो वो पार्ट भी आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अगर एडवांस फर्स्ट कॉल तक गया ही नहीं और किसी के फर्स्ट कॉल के एरियर्स हैं तो पूरे पैसे एरियर्स हैं, जब कुछ एडवांस ही नहीं गया। तो अगर रोहन ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो पूरी ही नहीं दी, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक तो कोई एडवांस नहीं गया, इसके 4800 शेयर्स हैं, 2 रुपीस फर्स्ट कॉल, 9600 इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, 9600 सेकंड कॉल पे नहीं दिए, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो उसके एरियर्स। लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में ऐसा होता कि उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी, तो क्या अलॉटमेंट के एरियर्स ऐसे हम डायरेक्टली 4800 × 5 करके, जो नॉर्मल सिनेरियो में तो ऐसे ही होता है ना, जो पैसे नहीं दिए एरियर्स निकल जाते हैं, तो क्या डायरेक्टली एरियर्स निकाल सकते थे हम, या अगर अलॉटमेंट के एरियर्स होते? नो सर। नहीं, गुड। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता कि उसका कितना एडवांस अलॉटमेंट तक गया हुआ है, कितने उसके अलॉटमेंट पे ड्यू थे, जितना एडवांस है वो माइनस हो गया, जो बच गया सिर्फ उतने ही एरियर्स होते, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो वो कैलकुलेशन तब करनी पड़ती है जब एरियर्स उस स्टेज पे हो जिस स्टेज पे आपके पास कुछ एडवांस आया हुआ है। जिस स्टेज पे कोई एडवांस ही नहीं आया हुआ, वो एरियर्स निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। और वर्किंग बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि जब आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, आप जर्नल एंट्रीज नहीं पास कर रहे होगे, आप सीधा अमाउंट्स बता रहे होगे कि अलॉटमेंट मनी पे कितना पैसा रिसीव हुआ, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू या कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, रीइश्यू प्राइस क्या था, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके बिना आप कर नहीं पाओगे। तो ध्यान से देखना, पहला वर्किंग, तो वर्किंग नोट आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए और स्पीड में बनाने आने चाहिए। पहला वर्किंग नोट प्रोरेटा टेबल। वर्किंग नोट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मनी ड्यू, कितने पैसे ड्यू थे, कितने शेयर्स हैं टोटल, 1,20,000, तो 1,20,000 × 5, 12,5 = 6,00,000 rupees ड्यू थे, लेस एडवांस, पहले से कितने आए हुए हैं, 1,20,000 आपके पास पहले से आए हुए हैं, बचे कितने, 4,80,000। क्या कोई एरियर्स हैं? नो, एरियर्स सिर्फ रोहन के थे, कोई एरियर्स नहीं है, तो मनी रिसीव्ड कितनी हो गई, 4,80,000। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई भी डाउट? मनी ड्यू 6,00,000, कुछ एडवांस पहले से आया हुआ है, मनी रिसीव्ड 4,80,000। वर्किंग नोट नंबर 3, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव, मनी ड्यू 1,20,000 × 2, 2,40,000, लेस एरियर्स, किसके हैं, रोहन के, टू हुम 4,800 शेयर्स वर अलॉटेड, तो उसके पास हैं ही इतने शेयर्स, 9,600, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, 2,30,400 मनी रिसीव्ड, सेम फॉर सेकेंड कॉल, सेम फॉर सेकेंड कॉल, क्योंकि 2 रुपए थी सेकेंड कॉल भी, और सिर्फ रोहन ही है जिसने नहीं दिए, बट सर यहाँ पे दिया था रोहन टू हुम 4,800 शेयर्स वर अलॉटेड, उसको अलॉट 4,800 हुए थे, तो उसने अप्लाई तो ज्यादा करे होंगे, यस और नो? यस सर। बट बेटा वो तब हम कैलकुलेट करते हैं कि उसने अप्लाई कितने करे होंगे, ताकि मैं देखूं उसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी, उसका एडवांस कितना आया होगा अलॉटमेंट के लिए, बट उसके एरियर्स तो फर्स्ट कॉल पे जाके हैं, उसका एडवांस फर्स्ट कॉल तक जा ही नहीं रहा, तो उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो मेरे लिए काम की बात तब होती है जब मुझे उसका एडवांस निकालना हो, जब एरियर्स अलॉटमेंट के थे, एरियर्स अलॉटमेंट के थे ही नहीं,
तो इसलिए उसको एक्चुअली शेयर्स कितने अलॉट हुए, मेरे लिए काम की चीज वो है। तो चलो जल्दी से एंट्रीज में अमाउंट डालते हैं। बैंक टू एप्लीकेशन 480,000, एप्लीकेशन 480 आई, उसमें से एप्लीकेशन स्टेज पे 3 लाख यूज हुए, 360 यूज हुए, 1,20,000 एज एन एडवांस आगे चले गए। अलॉटमेंट पे ड्यू कितने थे, 6 लाख इन टोटल, 3:2, 360 और 240, 6 लाख टोटल मिले कितने, 6 लाख में से 120 तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, कोई एरियर्स नहीं है, तो कितने मिले, 480,000। फर्स्ट कॉल जब आपने मांगी, आपने तो पूरी मांगी 1,20,000 इंटू 240, बट रोहन फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो कितने पैसे मिले आपको, 4,800 टू 9,600 कम मिले थे, तो 2,30,400 मिले। सेम फॉर सेकेंड कॉल, 2,40,000 ड्यू थी, 2,40,000 ड्यू थी आपको, रोहन ने नहीं दी। अब जब शेयर्स फोरफीट होंगे तो क्या एंट्री पास होगी, अक्षत एंट्री तो आपके सामने, अमाउंट शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, तो 4,800 इंटू 10, 48,000। एरियर्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, एरियर्स में क्या आएगा, जो मिल गया है जो नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला था रोहन के शेयर्स पे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी उसने, तो जल्दी बताओ ना कितना आएगा यहाँ पे, दिख नहीं रहा क्या, ये एरियर्स है फर्स्ट कॉल के सेकंड कॉल के, 9,600 इंटू 2, 19,200, कोई भी डाउट, तो 48,000 उसने देने थे, 19,200 उसने नहीं दिए, तो बाकी पैसे दिए, तो बाकी कितना हो जाएगा फॉरफीचर, 48 माइनस 19,200, तो 28,800। और वेरीफाई अगर करें, वेरीफाई करें कि मनी फॉरफीटेड, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम इग्नोर करते हैं, तो कितने पैसे मिल गए, 5 + 3 = 8 में से 2 अगर माइनस कर दो तो 6 रुपीज मिल गए, 4,800 इंटू 6 करोगे तो ये आएगा 28,800। फॉर फीचर की एंट्री में किसी को कोई डाउट, शेयर्स वर री इशू, ऑल द शेयर्स वर री इशू, तो बहुत ही इजी है, सारे के सारे शेयर्स री इशू हो रहे हैं, कितने रुपए के, 7 रुपीज, तो बैंक में क्या आ जाएगा, 4,800 इंटू 7, फॉर फीटेड शेयर में डिस्काउंट आ जाएगा कितना, 4,800 × 3, 4,800 × 7, कैपिटल कितनी है, फेस वैल्यू 48,000, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, अमाउंट फोरफीटेड 28,000, डिस्काउंट ऑन री इशू 14,400, प्रॉफिट 14,400, कोई भी डाउट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल बड़ा क्वेश्चन करके दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा आया तो कैसे, किस फॉर्म में आएगा, क्यों करना जरूरी है, ये ध्यान से देखेंगे।